दोस्तों कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ वीडियो छोटी से छोटी हो जाए, बट फिर भी वीडियो लंबी हो रही है। मेहरबानी करके प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं सारी बातों को समझाना चाहता हूँ ताकि आप सब कुछ सही से समझ पाएं। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बट प्लीज इसको अंत तक जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, मेरे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने छोटे छोटे कार्ट या स्टॉल खोले हैं, और बहुत सारे मेरे भाई हैं जो खोलने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि काफी लोगों से वो मोटिवेट हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ ही समय में कुछ कार्ट वाले बहुत ज्यादा फेमस हुए, जैसे ग्रेजुएट चाय वाली हो गई, एमबीए चाय वाला को भी कुछ ही कम समय लगा है और वो भी एक छोटे से ठेले से बहुत एक सक्सेसफुल आदमी बन गए हैं। इसके अलावा बीटेक चाय वाली और भी बहुत सारे आ रहे हैं, लोग छोटे छोटे कार्ट लगा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और फटाफट फेमस हो रहे हैं। सो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि यार अगर इतना ही आसान है तो मैं भी कर लेता हूं, और यही सोचकर बहुत जल्दी मोटिवेट होने के बाद काफी मेरे भाई हैं जिन्होंने अपने चाय के, मोमोज के, फास्ट फूड के स्टॉल खोले, बट जो वो सोचते हैं रियलिटी में कंप्लीटली डिफरेंट होता है। मतलब वो सोचते बहुत कुछ है कि बड़ी बड़ी सेल होगी, बहुत अच्छी सेल होगी और बहुत जल्दी से हम ग्रो कर जाएंगे और बहुत जल्दी से हम फेमस होने के बाद अच्छी कंपनी बना लेंगे, बट रियलिटी में जब वो ओपन करते हैं तो प्रॉपर सेल नहीं आती है और वो नुकसान में जा रहे हैं। एंड ऐसे बहुत सारे मेरे भाई हैं जिन्होंने मोटिवेशन में आकर अपने कार्ट को ओपन तो किया है, बट मेहनत बहुत करने के बाद, हर वो कोशिश करने के बाद भी उनकी सेल नहीं बढ़ रही है। दिन के 1000, 1200, 1500, 2000 की सेल वो कर पा रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं उनको प्रॉपर मिल पा रहा है और बहुत मुश्किल हो रही है बिजनेस को चलाने में। ग्रो तो छोड़ो, अपने बिजनेस को रन करने में ही उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो आज की वीडियो मेरे उन सभी भाइयों के लिए जो अपना एक छोटा सा कार्ट खोल चुके हैं बट सेल प्रॉपर नहीं आ रही, या फिर वो भाई जो बहुत टाइम से कार्ट खोलने के बारे में सोच रहे हैं या कैफे खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं आज का वीडियो। मेहरबानी करके आप रिक्वेस्ट है अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इन सारी बातों को समझ पाए। 10 से 12 पॉइंट्स आपको यहां पर बताने वाला हूं। अगर आप इन पे काम करते हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप खोलने वाले हैं, या अगर आप खोल चुके तो आप इनको सोचिए कि आपके बिजनेस में क्या ये प्रॉब्लम्स हो रही है जो मैं बता रहा हूं, क्या ये गलतियां हैं जो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो सारी बातों को मैं डिटेल में कवर करूंगा, चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना कार्ट ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने कार्ट से कि ये कार्ट मेरा अच्छा चलेगा, काफी अच्छे पैसे आएंगे, बहुत अच्छी सेल होगी, प्रॉफिट मेरा काफी अच्छा होगा, और उसके बाद मैं एक कार्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंचाइजी सेल करूंगा। ये हर कोई बंदा सोचता है जो एक बिजनेस शुरू करने वाला होता है या एक छोटा सा कार्ट शुरू कर चुके हैं लोग, उनका प्लान यही होता है, बट आइडियली सेल प्रॉपर ना मिलने की वजह से वो बिजनेस को ग्रो तो छोड़िए चलाना मुश्किल पड़ जाता है, और कुछ टाइम बाद अगर वो बिजनेस को बंद करते हैं तो फिर वो दोबारा बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया में अगर आप एक बार बिजनेस करते हैं और अगर वो ठीक ठाक नहीं चलता है, जितना पैसा आपने उसमें लगाया आप उतना नहीं निकाल पाते हैं, तो बहुत सारे लोग ताना मारते हैं। इनफैक्ट बाहर के लोगों को छोड़िए, आपके घर वाले लोग भी बोलने लगेंगे कि हमें पता था तुझसे नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको आपको पहले से बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। देखिए, रियलिटी में कार्ड के बिजनेस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है जब आप स्टार्ट करते हैं, बट हर प्रॉब्लम अपने सॉल्यूशन के साथ आती है, बशर्ते आपको सही पता होनी चाहिए चीज कि आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। सो कार्ड के बिजनेस में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से सेल नहीं बढ़ती और कार्ड बिजनेस नहीं चलता है, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सही लोकेशन चूज नहीं करते हम लोग। लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने किसी जगह पर लोकेशन फाइनल करी, आपका कार्ड नहीं चल रहा है, तो वहीं पर स्टक होकर बैठे नहीं रहना है। आपने कार्ड खोली है या छोटी सी दुकान खोली है, आपने एक महीना देखा नहीं प्रॉपर सेल आ रही है, दिन के आपके 1000, 1200, 1500, इससे ऊपर की सेल आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप यह समझ लो कि वो लोकेशन सही नहीं है क्योंकि वहां पर कस्टमर ही नहीं है। आप देखो कि आपकी दुकान पे आप अगर बैठे हो, कस्टमर नहीं आ रहे, तो आप देखो रोड पे सामने कितने लोग घूम रहे हैं। अगर सामने आपके जो रोड है वहां पर लोग ही नहीं है तो आपकी दुकान में भी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि आपके प्रोडक्ट में खराबी है या आपके आपके बिजनेस में कमी है, नहीं, आपकी लोकेशन में कमी है। आपके सामने लोग ही नहीं है तो लोग आएंगे कैसे? तो आपको फिर वहां पर स्टक होकर उस लोकेशन पर नहीं बैठना, क्योंकि देखिए जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो तो होने ही वाले हैं। आपकी दुकान का किराया जाएगा ही जाएगा, आपकी दुकान की बिजली का खर्चा आएगा ही आएगा, अगर आपने कोई इंप्लॉय रखा है उसका खर्चा भी आएगा ही आएगा, अगर आप अपनी दुकान में बाइक से, कार से आते हैं तो वो खर्चा भी आपका आएगा, इसके अलावा अगर आप दुकान के लिए सामान लेने जाते हैं, लेकर आते हैं, उसके लिए कोई गाड़ी करते हैं, वो खर्चा भी आएगा। तो जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो आपके आने ही हैं, इसके अलावा कोई मशीन खराब हो गई, ये सब तो छोटी मोटी चीजें लगी रहेंगी। तो जब ये एक्सपेंस, आपका बिजनेस चल नहीं रहा, प्रॉफिट आपको आ नहीं रहा, फिर भी ये खर्चे हैं, ये खर्चे बढ़ते जाएंगे, आते जाएंगे, और आपकी सेल तो प्रॉपर हो नहीं रही है, तो फिर आप क्या करोगे, बिजनेस में दबते चले जाओगे, क्योंकि फिर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस चलाना मुश्किल पड़ता जाएगा। सो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ये इंतजार में रहना कि चलो इस महीने नहीं चला, अगले महीने चल जाएगा, अगले से अगले चल जाएगा, ये सोचने से बेहतर आप अपनी लोकेशन को चेंज कर लो, क्योंकि 2-3 महीने, 4 महीने, आप कितने महीने अपने पैसे से अपने बिजनेस को चला सकते हैं?
बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, खर्चे होते हैं। अगर आप अपनी जेब से लगाते जाओगे तो एक दिन आपकी जेब का पैसा खत्म ही होगा। बिजनेस तभी बढ़ता है जब आप बिजनेस का आया हुआ पैसा ही बिजनेस में लगाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिजनेस आपने चालू किया, बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रही है, आप उसको अपने ऊपर खर्च करिए, अपने शौक करिए। नहीं, स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में बिजनेस का जितना पैसा आपके पास आ रहा है, आप अपनी सैलरी की तरह छोटा सा अमाउंट जरूर निकालो। ये जरूर निकालो, ये भी मत करो कि पूरा आ रहा है पूरा आपको बिजनेस में लगाना है। नहीं, आपने कार्ड खोला, महीने के आप 40,000 अगर कमा रहे हैं, आपने स्टाफ नहीं रखा है, तो 5,000 से 10,000 रुपए अपने लिए निकालो और 30,000 रुपए दोबारा बिजनेस पे लगाओ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो जितना भी होता है थोड़ी सी अपनी सैलरी निकालने के बाद बिजनेस पे लगाते जाओ और अपने बिजनेस को ग्रो करो। यहां पर लोकेशन से सिर्फ इतना ही मतलब, अगर आपको लगता है लोकेशन सही नहीं है, बेझिझक लोकेशन को चेंज कर दो, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे तो फिर आपको मुश्किल आएगी। तो 2 महीने 6 महीने अपने पैसे को लगाकर बिजनेस को मुश्किल से चला चलाकर खींच कर उसके बाद भी आपको बंद ही करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है सही लोकेशन पर जाओ, थोड़ा सा रेंट ज्यादा दो और आपका बिजनेस चलने की उम्मीद तब बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, नौकरी छोड़कर चले जाते हैं शेफ। तो शेफ चेंज की जो प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बिजनेस में आती है कि आपका टेस्ट चेंज हो जाता है अगर आपका फूड बिजनेस है तो। और टेस्ट जब चेंज होता है तो कस्टमर को कुछ लोगों को पसंद नहीं आता और कुछ लोगों को लगता है कि यार कुछ बदलाव हो गया, हम पहले खाकर गए तो ऐसा था, अब खा रहे हैं तो ऐसा होता है, क्योंकि हर शेफ का बनाने का तरीका अलग होता है। आप 4 शेफ से अगर मोमोज बनाओगे तो चारों का टेस्ट अलग आएगा, आप 4 शेफ से डोसा बनवाओगे सबका टेस्ट अलग आएगा। तो हर शेफ की बनाने की कुछ कला, रेसिपी, स्टाइल, इंग्रीडियंट्स अलग अलग यूज करते हैं लोग। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको शेफ अगर छोड़ के जा रहा है तो उसको रोकना है या क्या करना है, आपको एक ही चीज करनी है, आपको कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे भी। आजकल क्या होता है, यंग जनरेशन का क्या है, पढ़ लिख लिया है, आपको लगता है कि हम एक कार्ट खोलेंगे और मैं एक कारीगर रख लूंगा, एक कारीगर का हेल्पर रख लूंगा और मैं सिर्फ बिल काटूंगा बैठ के आराम से, तो यहां पर आप गलत हो भाई, क्योंकि आप कभी भी बिजनेस की इनिशियल स्टेज में बैठने के बारे में मत सोचो। इनिशियल स्टेज में आपको बहुत मेहनत करनी है, छोटा सा कार्ट हो चाहे आपका बड़ा कैफे हो चाहे आपका बड़ा रेस्टोरेंट हो, आपका जब शुरुआती दौर है तो आपको लगकर काम करना पड़ेगा। फिर चाहे वो कारीगर के साथ काम करना पड़ रहा है आपको, चाहे हेल्पर के तौर पर काम करना पड़ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी तरीके से लगना है, बट एटलीस्ट आपको उनके साथ खड़े रहना है, देखना है कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहा है। अब अगर जब वो इंग्रेडिएंट्स के लिए लिस्ट बनाता है, जब आपको बाहर से सामान खरीदने के लिए वो लिस्ट देता है या आपको देता है या आप वो खुद भी लाता है, तो उस लिस्ट को चेक करो कि वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहा है और उसको अपने पास सेव करके रखते रहो। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि अगर आपका जब शेफ छोड़कर जाएगा तो आपको पता होगा कि वो उसकी मेकिंग किस तरीके की थी और वो कैसे बनाता था और वो किस किस तरीके के इंग्रेडिएंट यूज करता था। वो ब्लैक पेपर डालता था, व्हाइट पेपर डालता था, वो चिली सॉस, गार्लिक सॉस, गार्लिक मेयोनीज, पिज्जा सॉस को कहां कहां यूज करता था, ये चीजें आपको पता होंगी, क्योंकि वो सामान जो लिस्ट उसने बनाई है वो आप ही लेकर आ रहे हो, या अगर आप नहीं भी लेकर आ रहे हो तो आपको पता है, तो वो अपने नए शेफ को आप दे सकते हो कि भैया वो ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके माल को बनाता था, तो आप देख लो, तो चीजें थोड़ी सी रिजॉल्व होती हुई दिखेंगी आपको। इसके अलावा जहां पर आपका माल बनता है आपके कार्ट के लिए, शॉप के लिए, चाहे वो आपके घर पे बनता है, तो आप वहां पर एक कैमरा लगा दो, थोड़ा बहुत आपके नजर में रहेगा और कोशिश करो कि आप उसके साथ खड़े रहे शेफ के और चीजों को थोड़ा थोड़ा देखते रहे, ताकि अगर आपका शेफ जब छोड़कर जाता है तो कुछ चीजें आपको आती हो, आपको किसी पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है कि आपने उस पे ही छोड़ दिया सारा कारोबार। अब वो उसको पता चल जाएगा ना, जिस दिन की ये धंधा उसके दम पर चल रहा है तो फिर वो आपको आंखें भी दिखाना शुरू करेगा, आपको सैलरी बढ़ाने की डिमांड भी करेगा, वो अपनी हर वो मनचाही चीज आपसे मनवाने की कोशिश करेगा जो उसके लिए बेनिफिशियल होगी। वो आपको हर चीज बोलेगा कि आज सेल हो गया भैया, आज तो पार्टी, आज इतना हो गया, आज तो ये। तो ये चीज अब कभी भी आपके शेफ को आपकी सेल के बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि आपने कितना प्रॉफिट करा है। आप चाहे 10,000 कमा रहे हैं दिन का, चाहे आप 2,000 कमा रहे हैं, चाहे आप 3,000 कमा रहे हैं, आपको सिर्फ एक ही बात उससे कहनी है, भाई धंधा नहीं हो रहा है। ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो प्रूवन है ग्राउंड पे। आप अभी नए हो बिजनेस में, आपने शेफ रखा, आपकी सेल किसी दिन 4,000 की हो गई, आपने बोला यार आज बहुत मस्त सेल हुई है भाई, तो वो आपने शेफ को ये नहीं बताया कि कितनी सेल हुई, वो ये सोचेगा कि आज इसने 10-12 हज़ार कमा लिए, क्योंकि वो काम कर रहा है उसको लग रहा है कि मैंने बहुत काम कर दिया। शेफ का यही होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे शेफ गलत होते हैं, शेफ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव भी होते हैं, आपको बहुत अच्छे से काम कर कर भी देंगे अगर आप उनके साथ अच्छे हो, उनके साथ अच्छे रहना है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर देना है कि वो फिर आप पर हैवी होने लगे। धंधा आपका, आपको अपने हिसाब से चलाना है तो आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। तो आपको सेल चाहे कितनी मिल रही है, सेल कभी भी आपके स्टाफ के साथ डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, मतलब उनको पता नहीं चलना चाहिए, आप उनसे यही कहेंगे धंधा नहीं हो रहा है प्रॉपर, भाई सेल को बढ़ाओ यार, कुछ करो यार, ये करो, तो वो अपने दिमाग लगाएगा। अगर आपने उसको ये भी बोल दिया कि भैया धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, मजा आ गया, आज बहुत सेल अच्छी हुई है, तो वो आपकी इस बात को अपने दिमाग में फीड करता रहेगा और 4 दिन बाद आपसे बोलेगा भैया मेरी सेल बढ़ा दो, मेरी सैलरी बढ़ा दो, भैया इतनी सेल तो हो रही है आपकी यार, मैं इतना काम कर रहा हूं, मेरी सैलरी बढ़ाओ। फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते कहां पर खत्म होगी, वो नौकरी छोड़कर जाएगा।
कुछ भी हो आपको यही बताना, धंधा नहीं हो रहा भाई, धंधे को बढ़ाओ। और आप थोड़ा थोड़ा उनके साथ सीखते रहो, चीजों को समझते रहो। और वाईफाई कैमरा मैं इसलिए बोल रहा था लगाने के लिए, या कोई भी कैमरा आप लगा दो ताकि आपके पास थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रहे वो किस तरीके से काम कर रहा है, और उसको ये डर रहे कि मेरे को कुछ भी गलत नहीं करना है, कुछ भी गलत नहीं बनाना है क्योंकि कैमरा लगा है, इस चीज का आप ध्यान रखो। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्रीक्वेंटली प्राइस चेंज करना अपने शेफ, अपने कार्ट में, अपने कैफे में। देखिए बहुत सारे लोगों क्या होता है, धंधा सही चलने लगता है, अच्छी भीड़ आ रही है, वो लोग बोलते हैं यार बचत प्रॉपर नहीं हो रही है भाई, भीड़ बहुत आ रही है, प्राइस बढ़ा देता हूं थोड़ा सा। अल्टीमेटली आप पता क्या चाह रहे हो कि कस्टमर कम हो जाए, या आप खुद चाह रहे हो क्योंकि आपने प्राइस इसीलिए बढ़ाया क्योंकि कस्टमर बहुत आ रहे थे, यार थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देता हूं तो मेरा मार्जिन ज्यादा बढ़ने लगेगा। मार्जिन नहीं बढ़ेगा, कस्टमर घटने लगेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि देखो इंडिया में सबकी साइकोलॉजी क्या होती है, अगर उनको कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है तो वो चाहते हैं ज्यादा समय तक वो हमें 10 की ही मिलती रहे। अगर प्राइस चेंज हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चेंज नहीं करना है, बट एक टाइम होता है, एक टाइम के साथ चेंज करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक महीना कार्ड चलाया और दूसरे महीने आपके जो रेगुलर कस्टमर है वो आकर देख रहे हैं कि भैया आपके पहले वेज मोमोज की प्लेट 60 की थी, आज आपने 80 की कर दी है, या आपकी 100 की थी आपने 120 की या 130 की कर दी, आपने 20-30-40 रुपए बढ़ा दिए। ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ टाइम के लिए अपने कस्टमर के लिए काम करना है, उनके आपको फुटफॉल को बढ़ाने के लिए काम करना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपने लिए अपने शॉप में लाने के लिए काम करना है। तो एक आप प्राइस अपने कार्ड को शुरू करने से पहले निर्धारित कर लो। और प्राइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं तो आपको उसकी मेकिंग कॉस्ट को ध्यान में रखना होता है कि आपकी लागत कितनी आ रही है, उसके बाद आपका प्रॉफिट कितना है, बचत कितनी हो रही है, वो सब कैलकुलेट आपको खुद से करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखो कुछ चीजों का बता चुका हूं, चाय के बिजनेस में भी मैं आपको बता चुका हूं कि मेकिंग आपकी कितने की आती है, और मेकिंग के बाद आप अगर उसको कुल्लड में सर्व करते हैं तो आपको क्या कॉस्ट पड़ने वाली है, और अगर आप डिस्पोजल में सर्व करते हैं तो क्या कॉस्ट पड़ने वाली है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। जब आपका शेफ आता है आप उसको चेक करते हैं, शेफ से कोई चीज बनवा कर देखते हैं तो आप देखो कितने का इंग्रेडिएंट आप लाए थे इसका। अगर कोई लिक्विड प्रोडक्ट है, अगर आप शेक्स में डील करते हैं तो उसकी ईल्ड को कैलकुलेट करिए। ईल्ड होता है, हम लिक्विड प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए उसको ईल्ड में कैलकुलेट करते हैं। लाइक अगर 1 किलो आपके मौसमी से 4 ग्लास जूस बन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो मौसमी कितने की आई थी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो अब ये मत कहना कि भैया 1 किलो से 2 ग्लास जूस ही बनेगा, ये एग्जांपल है। मान लीजिए 1 किलो मौसमी से आपके 2 ग्लास जूस बने और 1 ग्लास की जो आपकी प्राइस है वो आपने 50 रुपीज रखा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि 1 किलो मौसम में इतने की आई थी, बनाने में मेरा इलेक्ट्रिसिटी लगी है, मेरा लेबर कॉस्ट आया है, मेरा शुगर लगा है, और उसके बाद मेरा डिस्पोजेबल ग्लास का कॉस्ट इतना आया, और कॉस्टिंग के बाद मेरा पर ग्लास की कीमत ये पड़ी है। तो इसको मैं अगर मेरी पर ग्लास की कॉस्ट जो है वो मेरे को 30 रुपये पड़ रही है तो मैं 50 का बेचूंगा तो 20 रुपये प्रॉफिट है। ये आपको पता होना चाहिए, आपको निकालना पड़ेगा, ये प्राइस में आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं निकाला, प्राइस आपने रख दिया, कस्टमर आ रहे हैं, आप माल भरा भर खरीद रहे हो और आपको फिर मंथ के एंड में कुछ बच नहीं रहा, फिर आपको ऑप्शन लगता है कि यार हम प्राइस बढ़ा देते हैं, फिर वहां पर कस्टमर चढ़ता है। तो पहले से ही सही प्राइस रखो ताकि आपको जल्दी से बढ़ाना ना पड़े। इसके अलावा दोस्तों चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपकी कार्ट को लगने का, बंद होने का, हॉलीडे का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। देखिए आपका चाहे कार्ट है, चाहे कैफे है, चाहे स्टोर है, आपका रेस्टोरेंट है, आपकी कोई भी दुकान है ना, आपकी दुकान को खुलने का और आपकी दुकान को बढ़ाने का, यानी कि क्लोज करने का, बंद करने का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। यानी कि कभी आपने अपने कार्ट को लगाने में शाम के 6 बजा दिए, कभी आप 4 बजे खोल रहे हो, कोई फायदा नहीं है। लोगों को पता है कि आप 6 बजे खोलते हो, लोग अपने हिसाब से आएंगे। फिर अगर आप अपनी दुकान को अपनी मनचाही मर्जी से बंद कर देते हो तो आपके कस्टमर कटते हैं। जो लोग आपकी दुकान पर ही आना पसंद करते हैं, मान लीजिए आपकी एक कपड़े की शॉप है और मेरे को शर्ट चाहिए और मैं आपको जानता हूं और आपकी दुकान पर मैं आया, लेकिन आपकी शर्ट दुकान बंद मिली और मेरे को शर्ट खरीदनी थी, कंपलसरी था, मेरे को बहुत जरूरत थी, तो मैं बगल वाली दुकान पर डेफिनेटली जाऊंगा। और अगर मैं पहली बार किसी और दुकान पर चला गया और मुझे इसका बिहेवियर अच्छा लगा सेकंड वाली शॉप का, तो मैं फिर वहां पर जाना शुरू कर दूंगा। अगर इसका प्राइस भी मेरे को सही लगा, इसकी सर्विस सही लगी, इसकी बात करने का तरीका अच्छा लगा मुझे, तो मैं इसके पास जाना शुरू कर दूंगा। बट अगर आपकी दुकान खुली होती तो मैं शायद कटता नहीं, मैं इस दुकान पर जाता ही नहीं, और अगर मैं इस पर जाता नहीं तो मैं इसका रेगुलर कस्टमर नहीं बनता। आपका रेगुलर कस्टमर था, मैं आपके पास ही रहता। और इसके अलावा देखो छोटी छोटी चीजों पर ना, मतलब ये मत करा करो, डरो मत कि आपको दुकान नहीं खोलनी। थोड़ी सी बारिश हुई, आपने आलस कर लिया, चलो यार आज नहीं लगाते हैं, तो आपका बना हुआ माल पूरा बेकार होगा। शेफ कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने बना रखा है, वो सोचेगा इसको कल यूज कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये नहीं करना है आपको। तो आपको क्या करना है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, आपको स्टार्टिंग में अपने कार्ट पर जाना है, लगाना है। ये मत सोचो कि यार आज हम छुट्टी कर लेते हैं, आज ऐसा नहीं। अगर आप मंडे को ऑफ रखते हो तो अपना मंडे को ही ऑफ रखो। इसके अलावा दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है प्रोडक्ट स्टॉक आउट। देखिए आपका कोई प्रोडक्ट अगर अच्छा चलता है, सेल अच्छी होती है, तो उसका स्टॉक आपको अच्छा रखना है, कभी वो स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। लाइक आपके पनीर मोमोज बहुत बिकते हैं और
आज मैं आपके पास आया हूं पनीर मोमोज खाने के लिए, क्योंकि मुझे पसंद है और काफी टाइम से मैं आपके यहां पर आ रहा हूं, लेकिन किसी एक दिन भी अगर वो मुझे नहीं मिले तो मेरे को प्रॉब्लम होगी। कस्टमर हूं मैं, नहीं सोचूंगा कि आपको क्या दिक्कत आई है, क्यों नहीं है, आपको पनीर नहीं मिला फ्रेश, नहीं। कस्टमर सिर्फ एक ही चीज चाहता है, वो जो चीज उसको पसंद है, जो चीज वो आपके पास खाने के लिए आया वो उसको मिलनी चाहिए। तो कभी भी आपका कोई भी प्रोडक्ट जो अच्छा बिकता है वो स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, अच्छा स्टॉक आप उसका मेंटेन करिए। तो वीकेंड, वीक डेज एंड हाईएस्ट सेलिंग डेज का आपको पता होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको स्टॉक को प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि आपने, आप संडे है और आपने मंडे में जितना प्रोडक्ट बनता है उसके हिसाब से बना लिया और संडे में फिर आपका प्रोडक्ट खत्म हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि संडे को ज्यादा सेल होती है तो संडे को मेरे जो पनीर मोमोज है उसकी क्वांटिटी इतनी बनेगी, ज्यादा बनेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपके शेफ को यह चीज आपको बतानी है कि भैया वीकडेज में, वीकेंड में, हॉलीडेज में आपको किस तरीके से काम करना है। वीकडेज हैं जहां पर ऑफिस डेज होते हैं, लोग कम आते हैं, आपकी सेल कम होती है, तो फिर वहां पर आप कम माल को बनाओ। वीकेंड्स होते हैं, संडे हो गया या कोई हॉलीडेज हो गया, तो उस पर आपको पता है कि भैया आज कस्टमर की छुट्टी है, लोग आएंगे, और तो वहां पर आप अपने स्टॉक को बढ़ा दो ताकि आपका स्टॉक खत्म ना हो। इसके अलावा दोस्तों जो सिक्स्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है खराब प्रोडक्ट को सेल कर देना कस्टमर को, यह सोचकर कि यार मेरा नुकसान हो जाएगा। ये आपका 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 का जो ये नुकसान आप सोच रहे हो ना, ये आपका लाखों का नुकसान कर सकता है अगर आपने कोई भी खराब प्रोडक्ट अपनी दुकान में एक भी दिन चला दिया। तो मान लीजिए आपने कार्ट ओपन कर रखा है, आपका आपका मोमोज का फास्ट फूड का स्टॉल है, थोड़ी सी बारिश हो गई, आपका माल पूरे दिन भर में तैयार हो चुका है और आप बस माल को ले जाकर अपने कार्ट पर लगाने वाले थे, लेकिन बारिश हो गई, आपने कार्ट को बंद कर दिया, आपने सोचा नहीं लगाता हूं। यहां पर आपके दो नुकसान होंगे, पहले तो उस दिन की सेल आपकी जाएगी और दूसरा आपका जो बना बनाया माल है वो खराब होगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उसको डीप फ्रीजर में रख देते हैं। देखिए अगर गर्मियां हैं, आप डीप फ्रीजर में रख रहे हैं, तब भी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर जाती है, आप कभी भी देख लेना ये चीज करके। और फास्ट फूड एक ऐसी चीज होती है जो फ्रेश बनता है, उसी टाइम खाया जाता है तो अच्छा लगता है, और अगर आप फास्ट फूड को रख देते हैं फ्रिज में, उसके बाद आप उसको रीकुक करते हैं या रीहीट करते हैं तो वो क्वालिटी नहीं आती है। कभी भी आप इस चीज को आप करके देख सकते हैं, आजमा के देख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, अपने जो बना बनाया माल है उसको खराब ना हो, वो फीके ना, आपका नुकसान ना हो, इसके लिए आप उसको अगले दिन चलाओगे और वहां पर आपको दिक्कत आएगी क्योंकि कस्टमर को उसका टेस्ट सही नहीं आएगा। तो मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, जब मैं मैकडॉनल्ड्स में एज अ मैनेजर काम कर रहा था वहां पर मेरे को एक कोट बहुत अच्छा लगता था जो मैं आपको आज बता देता हूं। इफ इट इज नॉट राइट डू नॉट सर्व इट। ये सारे एम्प्लॉयज को पता है कि अगर कोई चीज सही नहीं है वो सर्व नहीं होगी, और ये चीज हम एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को इसलिए बताते थे कि अगर कोई चीज आप नहीं खा सकते तो ये समझ लो वो कस्टमर भी नहीं खा सकता। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है ये चीज खराब है, चल मैं तो नहीं खा सकता, इसको बेच देता हूं, खिला देता हूं अपने कस्टमर को। यहां पर यहीं पर आप काम खराब करते हो, ये एक दिन की प्रॉब्लम आपकी बहुत टाइम लंबी लॉन्ग प्रॉब्लम बन सकती है और आपके धंधे को खराब कर सकती है। तो अगर कोई प्रोडक्ट सही नहीं है, उसका टेस्ट थोड़ा सा आपको खराब लग रहा है, डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो, ये थोड़ा सा नुकसान आपके बड़े नुकसान को बचा सकता है प्लीज। इसके अलावा दोस्तों सेवंथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का ध्यान नहीं रखते हैं। अब कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर क्या चाहता है आपके कार्ट में, उस चीज का भी ध्यान रखो। देखो आपके पास एक छोटा सा स्टॉल है जहां पर आप अपने कस्टमर को बहुत अच्छा फूड सर्व कर रहे हैं, वहीं पर आपका एक कस्टमर आता है जो बोलता है कि भैया हनी चिली पोटैटो है, और आपके पास चिली पोटैटो है लेकिन आपके पास हनी चिली पोटैटो नहीं है, और वो कस्टमर हर बार आता है, तो यार आप कोशिश करो कि आप उसको मेन्यू में ऐड कर दो। देखो अगर आप चिली पोटैटो रख रहे हो तो आप हनी चिली पोटैटो भी रख सकते हो, आपको उसमें सेसेमे सीड्स डालने होते हैं और हनी डालना होता है और आपका हनी चिली पोटैटो क्रिएट हो जाता है, वो आप रख सकते हो। तो अगर कोई चीज आप कर सकते हो ना तो उसको जरूर करो। ये छोटा सा एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, आपका छोटा सा कार्ट है, आप बाहर लगाते हो, सर्दियों का मौसम है, ठंड बहुत होती है, कस्टमर आपके पास आना चाहते हैं, आपका फूड बहुत अच्छा है लेकिन उनको ठंड लगती है, इसलिए कोई कस्टमर आपको ये एडवाइस करता है कि भैया बोनफायर लगा दो। देखो सर्दी है, ये कोई कार्ट वाला नहीं करेगा। कार्ट वाले क्या सोचेंगे, यार लकड़ी का खर्चा आ जाएगा, कोयला का खर्चा आ जाएगा, कौन जलाएगा, छोड़ो यार। तो आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो कस्टमर के लिए। हमने थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम रखा था। अब कार्ट में क्या होता है, मैक्सिमम कार्ट वाले क्या करते हैं, म्यूजिक सिस्टम है नहीं, मतलब गुस्से में काम कर रहे हैं, अपने कारीगर पे चिल्ला रहे हैं, ये सब नहीं करना है यार। आपको प्रोफेशनलिज्म थोड़ी सी लानी पड़ेगी, चाहे आपका छोटा सा कार्ट ही क्यों ना हो। तो हमने ये चीजें करी थी, म्यूजिक सिस्टम हमारे पास था, सेटिंग्स हमने अवेलेबल करा रखी थी, इसके अलावा हमने जब बोनफायर लगा दी तो हमारे कस्टमर डेफिनेटली बढ़े, और हमारा कार्ट था भले ही लेकिन जब क्रिसमस आया हमने क्रिसमस ट्री लगाई, उसमें हमने यू नो लाइट्स लगाई, अपना जो भी उसके डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो लगाए, सेंटा की कैप पहनी हमने, और भी बहुत सारी चीजें। तो आप फेस्टिवल के अकॉर्डिंग वो चीजें करो यार, लोगों को देख के लगे यार वो देख क्या हो रहा है, बच्चे देखे यार वो सेंटा की कैप पहनी, पापा वहां चलो वहां चलो। तो ये चीजें होती हैं यार, ये कैचिंग चीजें बनाओ अपने लिए। इसके अलावा एट्थ पॉइंट है, फूड की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है। आपके पास भीड़ है, आप उल्टा सीधा बना बना के दे रहे हो कि यार भीड़ को निपटाना है, भीड़ को निपटाना है। आपको भीड़ को निपटाना नहीं है, आपको कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही तरीके से सर्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भीड़ को निपटाना ही होगा तो कंप्लीटली निपट जाएगी भीड़, आज है कल होगी भी नहीं।
तो भीड़ को निपटाना नहीं है, हमें भीड़ को समझाना है, अच्छे से उनको प्रोडक्ट को सर्व करना है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा बातचीत बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, ये नहीं कि भीड़ ज्यादा है तो आप कुछ भी उल्टा सीधा बनाकर गंदा सा नूडल्स है, नूडल्स में ही कढ़ाई की खुरचन भी निकल गई है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये मैं देखो ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें मैंने देखी हैं कार्ट में होती हुई, जब मेरा खुद का कार्ट चलता था मैंने देखा है कि कारीगर क्या करता था कि यार फटाफट बनाता हूं निपटाता हूं, अब 10 लोगों का नूडल्स का ऑर्डर है, कढ़ाई छोटी है, 10 बनेंगे नहीं उससे एक बार में, लेकिन वो भर देगा, फिर उसके बाद सॉसेस को अच्छे तरीके से वो मिक्स नहीं कर पाएगा, उसमें किसी के पास ज्यादा सोया सॉस लगी हुई नूडल्स जा रही है और किसी के पास बिल्कुल व्हाइट नूडल्स जा रही है और टेस्ट खराब हो रहा है। तो वो चीज आपको देखनी है, आपको खड़े रहना है अपने शेफ के पास में कि यार क्या कर रहा है भाई, ये दोबारा बना ले, एक बार आप इसको बनाने के बाद दोबारा बनाइए, उसको बताओ, वो आपको करना पड़ेगा। शेफ तो निपटाने की कोशिश ही करेगा लेकिन आपको निपटाना नहीं है, क्योंकि आप अगर आज निपटाओगे तो कल या परसों के बाद कस्टमर परमानेंटली निपट जाएंगे, वो आएंगे भी नहीं। इसके अलावा 9 पॉइंट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपका जो बिहेवियर है वो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड गुड बिहेवियर विद स्माइलिंग फेस होना चाहिए। आप अच्छे रहो, पॉजिटिव रहो, और देखो हर किसी के पास कुछ ना कुछ टेंशन होती है, तो अपनी टेंशन को थोड़ा सा साइड में रखकर आपको अपने कार्ट में एक स्माइलिंग फेस हमेशा रखना पड़ेगा, ताकि आपके कस्टमर आपके पास अपना एक अच्छा मोमेंट स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं, अच्छा फूड ट्राई करने के लिए आ रहे हैं, तो उनका वो वही माहौल रहने दो, उनको अपनी प्रॉब्लम्स के मतलब दरमियान आप उनको खराब बिहेवियर या गलत बात उनसे मत करो। इसके अलावा 10th सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अननेसेसरी ओवर एक्सपेंसेस करना। देखिए जो खर्चे आप बचा सकते हो उनको बचाओ, लाइक 11-12 बजे के बाद आपका कार्ट बंद हो चुका है, फिर आपकी 10 लाइटें जलने की जरूरत नहीं है, आप सामने वाली अगर आपने LEDs लगा रखी है आप LEDs को बंद करो, आपने कोई डेकोरेटिव लाइट्स लगा रखी है उसको आप बंद करो ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा सा कम हो जाए। इसके अलावा भी आप देखो कि आप क्या कर सकते हो जिनसे आप अपने खर्चे को कम कर सकते हो। इसके अलावा 11 सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिजनेस थोड़ा चला हम लोग निश्चिंत हो गए, अब उसके बाद बिजनेस कम होता जा रहा है, हम कुछ उसके लिए स्पेशल नहीं कर रहे हैं, तो मार्केटिंग प्रमोशन छोटे छोटे ये सब आपको करने पड़ेंगे और छोटे छोटे ऑफर्स भी आपको चलाने पड़ेंगे। देखिए आपका कार्ट हो चाहे कुछ भी हो, आपने देखा होगा कुछ कार्ट्स वाले क्या करते हैं, कुछ अलग करते हैं, एक व्हाइट बोर्ड लगा देते हैं अपने कार्ट के सामने और लिख देते हैं टुडेज ऑफर और लिख देते हैं 2 बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज फ्री, या अगर आप 250 का ऑर्डर करते हैं तो 1 बर्गर फ्री। ये छोटे छोटे जो ऑफर्स होते हैं ना ये कस्टमर को खींचते हैं और कस्टमर आपके पास रेगुलर आना पसंद करता है कि यार चल देखते हैं उनके पास आज क्या ऑफर चल रहा है, यार क्या पता ऑफर पसंद आ जाए, तो ये चीज आपको करनी है। इसके अलावा 12th पॉइंट है नो प्रॉपर क्लीननेस। देखो आपका कार्ट है, कैफे है, रेस्टोरेंट है, आप कुछ भी, आप कभी भी ये मत सोचो यार मेरा छोटा सा स्टॉल ही है ठीक है चलने दे जैसे हो रहा है काम, नहीं, आपको अपने स्टॉल में क्लीननेस को मेंटेन करना है। आपके पास ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कंटिन्यू आपके पास इतनी भीड़ है कि वो भीड़ 5 मिनट के लिए भी खत्म नहीं हो रही है, आपके पास 5 से 10 मिनट का टाइम हमेशा मिलेगा अगर आप 10-12 कस्टमर को डील करते हैं, उसके बाद 10-15 मिनट का टाइम आपको जरूर मिलेगा जब आपके पास कस्टमर नहीं होंगे, उस टाइम वो टाइम आपको वेस्ट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, बातें करने के लिए नहीं होता है, वो टाइम होता है अपने कार्ट में सारी चीजों को रेडी करने के लिए, दोबारा से कौन सी चीज खत्म हो रही है उसका स्टॉक ऊपर लगाना है, उसके बाद क्लीननेस को मेंटेन करना है। आप अपने स्टाफ को बताओ यार खाली टाइम है चलो यार सफाई कर लो, देखो वो दिखता है, सफाई दिखती है, तो जैसे ही खाली टाइम मिले कपड़ा मरवा दो कार्ट पे, जो फालतू चीजें अननेसेसरी इधर उधर बिखरी हुई है उनको सेट करवा दो, ताकि कस्टमर जब भी आता है उसको लगेगा कि बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और कोशिश करो कि आप अपने शेफ है जो आपका उसको ग्लव्स पहन के, कैप पहन के, एप्रन पहना के काम करवाओ, ताकि एक अच्छा लगता है लोगों को कि यार यहां पर क्लीननेस से, साफ सफाई से काम होता है। और आज के डेट में हर कोई वहीं जाना प्रेफर करता है जहां पर साफ सफाई से, क्लीननेस से और एक अच्छा प्रोडक्ट सर्व किया जाता है, तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट पॉइंट है, मैजिक मोमेंट क्रिएट करिए अपने कस्टमर के लिए। देखिए आपको लगेगा कि यार मेरा छोटा सा कार्ट है क्या मैं ये सब करूंगा, आप करके देखो, अगर आपको बेनिफिट ना मिले तो आप मुझसे बात करना। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, देखिए बड़े बड़े जितने भी आप मल्टीनेशनल कंपनीज को उठाकर देख लो, वो अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग में यही चीजें तो सिखाती हैं कि आपको अपने कस्टमर के लिए मैजिक मोमेंट कैसे क्रिएट करना है, क्लीननेस को आपको कैसे मेंटेन करना है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कस्टमर्स को कैसे डील किया जाता है, उनसे कैसे बात करनी है, हमेशा स्माइलिंग फेस रखना है, यही सारी चीजें होती है जिसकी वजह से वो छोटे से ब्रांड आज एक बड़े ब्रांड बने हैं। तो यहां पर मैं मैजिक मोमेंट क्रिएट करने के लिए सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर आपका छोटा सा कार्ट है, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़े बड़े काम कर दो अपने कस्टमर के लिए। देखो अब आप अगर कस्टमर्स के साथ फैमिलियर हो तो कस्टमर आपसे बात करते हैं आके, और मैं ये जानता हूं अगर आप अपने कस्टमर से, देखो कस्टमर और आपके बीच में कोई दायरा नहीं होना चाहिए कि यार मेरा धंधा है, मैं धंधे वाला हूं, ये कस्टमर है, इससे बात नहीं करनी है, नहीं, उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करो, और सर क्या हाल है, आप उनसे बात करते रहोगे, कस्टमर आपसे बात करेंगे, फैमिलियर बिहेवियर होगा, फ्रेंडली होगा नेचर उनका और आपके साथ, तो फिर वो आपको बातें ही बताएंगे। तो 4-5 लोग आए मान लीजिए और आपको बोलते हैं कि भैया आज इसका बर्थडे, आज हम लोग आपके पास आए इसलिए आज आपके बर्गर्स खाएंगे हम, तो आज मजा आने वाला है, तो
आपको ये चीज दिख गई कि आज इस बंदे का बर्थडे है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, कैफे है, जहां पर आप आइसक्रीम सेल करते हो, तो एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आप दे सकते हो, पिंक कलर की होती है, अच्छी लगती है, आपने किसी को गिफ्ट कर रहे हो, तो आप बोलो सर ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आज हमारी तरफ से आपके लिए एज अ बर्थडे गिफ्ट समझ लीजिए, या फिर आप हमारी तरफ से एज अ कॉम्प्लीमेंट्री इसको आप हमारी तरफ से लीजिए, आप हमारे रेगुलर कस्टमर है, तो वो रेगुलर अगर नहीं भी होगा ना, वो रेगुलर बन जाएगा, फिर वो अपना बर्थडे, आप उसके बाद दोस्तों का बर्थडे, सब कुछ वो आपके पास ही सेलिब्रेट करेगा। अगर आपका कार्ट है तो आप कम से कम इतना बोलो, अरे सर आज आपका बर्थडे, आज का फूड हमारी तरफ से। देखो 10 में से 2 लोग होंगे जो आपका खा जाएंगे फूड और नहीं देंगे पैसे, बट कोई बात नहीं, आज उसने नहीं दिए पैसे तो वो जिंदगी भर आपके पास ही आने वाला है वो आपका कस्टमर। इसके अलावा 10 में से 9 लोग आपको यही बोलेंगे, अरे नहीं भैया ऐसे थोड़ी होता है यार, आप अपने पैसे काटो। लेकिन आपने जो इतनी बात बोल दी ना, इस बात का बहुत वजन पड़ेगा उनके ऊपर, वो हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, आपने उन्हें ये बात बोली थी कि यार आज आपका बर्थडे है सर, आज का फूड हमारी तरफ से, आज के बर्गर आपको हम अपनी तरफ से खिला रहे हैं, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं सर, आप हमेशा हमारे पास आते हैं, आप हम उम्मीद करेंगे आप हमेशा आप हमारे पास ही आए, आपके दोस्त का जिसका भी बर्थडे होगा आप यहीं पर आकर सेलिब्रेट करिए। तो आप ये कर सकते हो, ये इसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर 5-6 लोगों को फ्री में आज एक बर्गर खिला भी दोगे और फिर वो आपको 20 बार रिपीट बिजनेस देते हैं, तो ये नुकसान का सौदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ये करके देखो, ये छोटी छोटी चीजें जरूर करो, और आपका बिजनेस में अगर सेल डाउन हो रही है, आपकी सेल नहीं होगी डाउन, आपके कस्टमर दाएं बाएं नहीं जाएंगे, नहीं कटेंगे आपके कस्टमर, रेगुलर कस्टमर बनाने की सोचो, हमेशा इसी चीज पे काम करो कि आपके कस्टमर जो एक बार आए वो बार बार आए, और एवरग्रीन जो चीज है आपके फूड बिजनेस में होता है फूड की क्वालिटी, तो उस पे तो आपको कंटिन्यू बेसिस पे काम करते रहना है, अपने मेन्यू पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने प्राइसेस पे आपको हमेशा काम करते रहना है कि क्या चीज सही है और क्या मैं कम से कम में अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।